टिकटॉक वीडियो से शोहरत हासिल करने वाली हरीम शाह की दिलजान नामी लड़की से इस्लामाबाद में लड़ाई, मामला अदालत तक पहुंच गया। हेडलाइन न्यूज़ की रिपोर्ट के मुताबिक रात गए खवातीन दोस्तों के साथ सैर के लिए निकलने वाली हरीम शाह के बैग से जेवरात और नकदी चोरी हो गई। मामला कुछ इस तरह से पेश आया कि रावलपिंडी के एक बड़े होटल में आयशा अलमरूफ दिलजान नामी लड़की ने हरीम शाह से एक आला शख्सियत के साथ 2 लाख रुपये में मुलाकात तय की थी। आयशा अलमरूफ दिलजान नामी लड़की VIP लड़कियों की VIP शख्सियात से मुलाकात करवाती है। दोनों रात देर गए इस्लामाबाद से रावलपिंडी होटल की तरफ रवा दवा थी कि पैसों की पेशगी अदायगी पर झगड़ा शुरू हो गया, जिस पर आयशा ने मदद के लिए पुलिस को कॉल करके थाना रमना में हरीम शाह के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवा दिया। पुलिस जराये का कहना है कि दिलजान नामी खातून रावलपिंडी के इलाका बंगश कलोनी की रहायशी है, जो पैसे लेकर VIP लड़कियों की VIP शख्सियात से मुलाकात करवाती और पैसे लेती है। हरीम शाह और दिलजान दोनों का झगड़ा तयशुदा रकम पहले अदा ना करने पर शुरू हुआ। पुलिस ने हरीम शाह को गिरफ्तार करके विमन पुलिस स्टेशन मुंतकिल किया, जहां दोनों के खिलाफ थाने में चलान भी दर्ज किया गया। खवातीन के साथ लड़ाई का मामला थाने में सुलह सफाई से हल हो गया है और मजिस्ट्रेट के सामने पेश करके जमानत पर दोनों को रिहा कर दिया गया।